हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अप्रैल 2022 की लव टैरो रीडिंग। तो सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अप्रैल 2022 की लव टैरो रीडिंग। चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि अप्रैल 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे तीन सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं टॉरस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है फाइव ऑफ कप्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि पीछे कुछ टाइम से कुछ इश्यूज, कुछ मसले इस रिलेशनशिप में रह रहे थे। हो सकता है कि आपसे कोई गलती हुई हो या आपके पार्टनर से कोई गलती हुई हो, या फिर चीज़ें आप दोनों के या फिर आपके हिसाब से नहीं चल रही थीं जिन पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, और इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रह रहा था। कहीं आप बहुत इमोशनली ग्रेट नहीं फील कर रहे थे या फिर अच्छा नहीं फील कर रहे थे, और कहीं अप्रैल स्टार्टिंग में इन्हीं एनर्जी से आप अपने आप को बाहर निकालना चाह रहे हैं या निकल रहे हैं। जो भी चीज़ें इस रिलेशनशिप में अच्छी हैं या फिर आपके पार्टनर की जो भी क्वालिटीज़ अच्छी हैं, आप उन पे फोकस करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए कमिटमेंट का कार्ड कहता है कि आप मन ही मन मैरिज, लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में चाहते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए लिमिनस का कार्ड कहता है कि बहुत एक हैप्पीनेस, बहुत एक जॉय मन ही मन आप अपने पार्टनर के साथ महसूस करते हुए दिख रहे हैं, और चीज़ों को लेकर किसी लेवल पे एक क्लैरिटी भी या तो आ रही है या फिर एक क्लैरिटी आप महसूस कर रहे हैं। और विंड्स ऑफ चेंज का कार्ड कहता है कि कुछ चेंजेस भी आप लाना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए या फिर इस रिलेशनशिप में चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। और सरफेस लेवल के लिए पेज ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत ही लविंगली, बहुत ही कंपैशनेटली आप हर चीज़ को डील करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। हालांकि देखिए मिड अप्रैल के लिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड इमैच्योर एनर्जीज की बात करता है, इमैच्योर सेंटीमेंट्स, इमैच्योर इमोशंस की बात करता है। तो थोड़ा सा चीज़ों को लेकर आपका चाइल्डिश बिहेवियर रह सकता है, और हो सकता है कि आप मैसेजेस, फ़ोन कॉल के लिए ज़्यादा इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, लेकिन एंड अप्रैल में किंग ऑफ कप्स का कार्ड एक मैच्योर इमोशंस की बात करता है। तो फिर से देखिए, मिड अप्रैल में जहाँ इमैच्योर एनर्जीज हैं, वहीं एंड अप्रैल में एक मैच्योरिटी आपकी एनर्जीज में आती हुई दिख रही है, एक मैच्योरिटी आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स में आती हुई दिख रही है। और कहीं अगेन मैं कहूँगी, बहुत प्यार मोहब्बत आप महसूस कर रहे हैं और अपने पार्टनर को एक्सप्रेस भी करते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं टॉरस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है केज्ड लव, और ये कार्ड कहता है दिस लव इज़ एन इल्यूजन, अ ट्रैप, फ्लाई फ्री, देयर इज़ नो लव हेयर। तो देखिए मन ही मन आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अब वो मोहब्बत, वो प्यार नहीं रहा है। कहीं ये कुछ टॉरस के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग या एनर्जीज हो सकती हैं, और कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर टॉरस आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि अब आप उनको इतना प्यार नहीं करते हैं। तो देखिए जो भी हो, लेकिन कहीं एक सफोकेशन, कहीं एक घुटन भी मन ही मन वो महसूस करते हुए दिख रहे हैं, कहीं बहुत जकड़ा हुआ भी वो महसूस करते हुए दिख रहे हैं, और उनको ऐसे लग रहा है कि बस वो कहीं इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाएं। जो भी लिमिटेशंस, जो भी रिस्ट्रिक्शंस इस रिलेशनशिप की वजह से हैं, उनको वो तोड़ के अगेन मैं कहूँगी कि किसी लेवल पे एक फ्रीडम अपने लिए या फिर इस रिलेशनशिप के लिए लाना चाह रहे हैं।
और देखिए सरफेस लेवल के लिए थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है इसी वजह से या अदरवाइज भी एक हर्ट एनर्जीज में वो रहते हुए दिख रहे हैं, किसी चीज़ को लेके परेशान उदास भी वो रहते हुए दिख रहे हैं। और आपके लिए हमने देखा भी था फाइव ऑफ कप्स में टॉरस कि कुछ इश्यूज़ कुछ मसले पीछे रहे हैं, कुछ गलती हुई है और हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इसी चीज़ को महसूस कर रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि ये गलती किसी की भी तरफ से हो सकती है, कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि आपकी तरफ से हुई हो और कुछ टॉरस के लिए उनके पार्टनर की तरफ से हो सकती है। और कहीं टॉरस आप पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ही उन्हीं एक हर्ट एनर्जीज में रहते हुए दिख रहे हैं। हालांकि देखिए डीपर लेवल के लिए पैशन एंड फॉन्डनेस के कार्ड्स कह रहे हैं कि आपके लिए मन ही मन बहुत एक अट्रैक्शन, बहुत एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट भी वो महसूस कर रहे हैं, बहुत एक यू नो लाइकनेस भी उनके मन में रह रही है लेकिन वो रश नहीं करना चाह रहे हैं, वो किसी भी चीज़ को लेकर जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं, वो बहुत ही लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, वो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को देख के ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि उनको कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है और कहीं फिर से मैं कहूँगी वो दिल से नहीं दिमाग से काम लेते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट देखिए टॉरस आप दोनों की एनर्जीज अगर हम ब्रॉडर लेवल पे देखें तो आप अप्रैल मंथ में बहुत चीज़ों को लेकर इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं और आपके पार्टनर बहुत लॉजिकल होते हुए दिख रहे हैं, बहुत माइंड से हर चीज़ को डील करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड फिर से कहीं अनफेयर एनर्जीज़ की बात करता है, किसी लेवल पे किसी तरीके के इनजस्टिस की बात करता है। और फिर से मैं कहूँगी टॉरस ये इनजस्टिस किसी की भी तरफ से हो सकता है, कुछ टॉरस के पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि टॉरस आप इस रिलेशनशिप के लिए उतने फेयर नहीं रहे और कुछ टॉरस के पार्टनर को लग सकता है कि टॉरस आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए इतने फेयर नहीं रहे। और देखिए दोनों ही सिनेरियो में कहीं अब वो जस्टिस चाहते हैं, कहीं अब वो इस रिलेशनशिप के लिए एक फेयर एनर्जीज चाहते हैं। और ये थी टॉरस आपके पार्टनर की एनर्जीज। अब देखते हैं कि अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए अप्रैल मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं नो लव हेयर एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। तो देखिए नो लव हेयर का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ बहुत ग्रेट कुछ टाइम से या फिर अप्रैल स्टार्टिंग में खास कर नहीं हो रहा है। और देखिए इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं लेकिन नो लव हेयर का कार्ड बहुत ही क्लियरली कह रहा है कि शायद आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक उतनी फीलिंग्स, उतनी इमोशन, उतना लव, प्यार, मोहब्बत नहीं महसूस कर रहे हैं। और देखिए ये आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा दिख रही हैं क्योंकि यहाँ पे केज लव में भी हमने उनके लिए देखा देयर इज़ नो लव हेयर। तो फिर से देखिए आपके पार्टनर बहुत ऐसा महसूस कर रहे हैं कि या तो उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस, लव नहीं रहा या फिर अगेन मैं कहूँगी उनको ऐसा लग रहा है टॉरस कि अब आपके मन में उनके लिए उतना प्यार मोहब्बत नहीं रहा। और जो भी हो देखिए बहुत कुछ इस रिलेशनशिप में नहीं होता हुआ दिख रहा है। और देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी कहीं लॉजिकली चीज़ों को डील करने की बात करता है, माइंड से चलने की बात करता है। और हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत अपफ्रंट हो रहे हैं, ब्लंट हो रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा दिख रही हैं क्योंकि उनके लिए यहाँ पे तीनों ही सोर्ड्स के कार्ड्स हैं। और देखिए मिड अप्रैल के लिए विंग्स ऑफ लव एंड नाइन ऑफ वॉन्स के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं एक फियर, एक इनसिक्योरिटी किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में है। और हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत एक थकावट भी महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे देखिए एक लेवल पे हो सकता है कि गिव अप भी करना चाह रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि भाई और स्टैमिना और हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की लेकिन फिर भी गिव अप नहीं कर रहे हैं, फिर भी कंटिन्यू करते जा रहे हैं। और देखिए विंग्स ऑफ लव का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है लव इज़ ट्रांसफॉर्मिंग यू आइदर बाय फ्लाइंग इन और फ्लाइंग आउट।
तो देखिए फिर से थोड़ा थोड़ा सब टॉरस के लिए डिफर कर सकता है, लेकिन ब्रॉडर लेवल के लिए ये कार्ड कहता है या तो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इस रिलेशनशिप को एंड करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या फिर इस रिलेशनशिप को ही नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जजमेंट रिवर्स एंड सरेंडर के कार्ड्स कहते हैं कि लेकिन ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए जजमेंट का कार्ड भी एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है, यानी कि कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग लाना चाह रहे हैं, लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। और किसी सिचुएशन में, किसी सर्कमस्टांसेस में कहीं आप दोनों ही स्टक रहते हुए दिख रहे हैं, या फिर नटशेल में देखिए एक नई बिगनिंग आप नहीं ला पा रहे हैं, पुरानी चीज़ों को एंड नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि देखिए डीपर लेवल के लिए आप दोनों ही सरेंडर मोड में रहना चाह रहे हैं, कहीं एक दूसरे का साथ चाह रहे हैं, कहीं बहुत एक प्यार मोहब्बत भी महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए आप दोनों के कार्ड्स में हमने देखा भी कि मन ही मन आप दोनों के ही मन में बहुत एक दूसरे के लिए प्यार है, लव है। आपके लिए तो देखिए ल्यूमिनस का कार्ड था, विंड्स ऑफ चेंज का कार्ड था, जहाँ पे आप इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं, एक हैप्पीनेस जॉय महसूस कर रहे हैं। और आपके पार्टनर के लिए भी यहाँ पे पैशन एंड फॉन्डनेस के कार्ड भी कहीं यही कहते हैं कि आप दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए बहुत एक लव अफेक्शन है, लेकिन सरफेस लेवल पे उस तरीके से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं जिस तरीके से आप दोनों ही चाह रहे हैं। तो देखिए जो भी आप लोगों की एनर्जीज हैं उसी के ही बेसिस पर अप्रैल की एनर्जीज मैंने आपको बताई हैं, लेकिन अगर आप कुछ भी चेंजेस अप्रैल मंथ के लिए चाहते हैं तो आप अपनी एनर्जीज में चेंज लेकर आएं, और किसी लेवल पे किसी तरीके से आप अप्रैल मंथ की एनर्जीज को भी चेंज कर पाएंगे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए अप्रैल 2022 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।